अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ कामर जावेद और आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल के जे इलेक्ट्रीशियन। आज की वीडियो में हम आप दोस्तों को सेट बनाने का तरीका सिखाएंगे। ये हमारे पास वाटर पंप मोटर है, इसके सेट किस तरह बनाने हैं या किसी भी मोटर के सेट किस तरीके से बनाने हैं, तो सेट बनाने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए हमारी मोटर की पिच क्या है। ये हमारे पास मोटर है, जैसा कि हमें पता होना चाहिए कि इसकी पिच क्या है। तो ये हमारे पास जो पंप है, इसकी पिच जो है रनिंग की, वो है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8, 10, 12। चार कॉइल का हम इसमें सेट डालेंगे। तो सेट किस तरह बनाना है ये आप दोस्तों को हम आज की वीडियो में हम सिखाएंगे। तो चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारी वीडियो को लाइक कर दें, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। तो दोस्तों हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। तो चैनल पर जितने भी आने वाले नए दोस्त हैं और हमारा यूट्यूब चैनल के जे इलेक्ट्रीशियन के जे ब्लॉग और हमारा फेसबुक पेज के जे इलेक्ट्रीशियन फॉलो नहीं किया, तो हमारा यूट्यूब चैनल के जे इलेक्ट्रीशियन सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पेज फॉलो कर लें। तो वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों, किस तरह हमने सेट बना, किस तरीके से। तो आप दोस्तों ने मुकम्मल देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। तो ये हमारे पास एक तार का पीस है, जैसा कि हमने पहले बताया कि मोटर की पिच क्या है। पिच इसकी है 6, 8, 10, 12। चार स्लाटें हमने खाली बीच में छोड़नी है और छवीं स्लाट में हमारा जो कॉयल पहला डलेगा, दोनों साइडों से पहला जो कॉयल है वो छः पिच होगी इसकी। एक तार का पीस हमने लिया और ये देखें दोस्तों, ये हमने बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6। किसी भी किस्म की मोटर है तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए उसकी पिच क्या है, फिर उसकी पिच के हिसाब से सबसे छोटे कॉइल का जो हम फर्मा का साइज़ लेंगे, ये सबसे छोटे कॉइल का फर्मा है और इसका हमने देख लेना है पिच, जो फर्मे का साइज़ इतना बड़ा हो जो हम आसानी से डाल लें। हर वीडियो में हम बताते हैं कितना बड़ा होना चाहिए, ज़्यादा बड़ा होगा तो तार भी ज़्यादा डलेगी और मोटर भी लोड ज़्यादा बनाएगी, ज़्यादा छोटा होगा तो सेट आसानी से नहीं डलेगा, बस दरमियाना सा हो। ये देखें, थोड़ा सा छोटा हमें लग रहा था, हमने इसको बढ़ा लिया है। ये देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर से भी देख लें और इधर से भी देख लें। पिच इसकी 6, 8, 10, 12, सिल्वर में हम इसको वाइंड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये फर्मा बना लिया, फर्मा इतना बड़ा हो जो हम आसानी से डाल लें। अब हमारे पास ये फर्मा है, अगर हमारे पास मशीन वगैरह नहीं है तो हमने हाथ से बनाना है सेट को। अब जैसा कि हमने फर्मा बनाया है छोटे कॉइल का, 1, 2, 3, 4, चार कॉइल का सेट है, तो फर्मा हमने कहाँ पर बांधना है। देखिए दोस्तों, चार चौथे कॉइल का सेट है तो सबसे छोटे कॉइल में हमने फर्मे के जो छोटा कॉइल है उसके ऊपर हमने ये बांध लेना है और इसके ऊपर निशान लगा लेना है। ये देखें, ये इस तरह हमने यहाँ पर निशान लगे हुए हैं तो हम निशान लगा लेंगे इसके ऊपर ताज़ा। ये तो हाथ से अगर हम बनाएंगे, अगर मशीन से बनाएंगे तो यही फर्मा हम मशीन पर लगाएंगे और मशीन से हम फर्मा बनाएंगे। तो हम आपको हाथ से भी सेट बनाकर दिखाते हैं आज की वीडियो में और हम मशीन से भी सेट बनाकर दिखाते हैं। तो पहले इसके ऊपर हम निशान लगा लें, हाथ से सेट बना लेते हैं। ये देखें दोस्तों, यहाँ पर हम निशान लगा लेते हैं ताज़ा, ताकि हमें याद रहे। हम आप दोस्तों को हाथ से भी सेट बनाकर दिखाएंगे आज की वीडियो में और मशीन से भी सेट बनाकर दिखाएंगे और किस तरीके से सेट बनाना चाहिए ये भी आप दोस्तों को हमने बताया। किसी भी मोटर का फर्मा बनाना है तो इसी तरीके से बनाएंगे। अगर हमारी मोटर के बराबर के कॉइल हैं तो फिर हम किसी भी कॉइल के ऊपर फर्मा हम बना सकते हैं। अगर छोटे बड़े कॉइल का है तो हम छोटे कॉइल का फर्मा बनाएंगे, जैसा कि ये हमने आप दोस्तों को बनाकर दिखाया। ये देखें, 1, 2, 3, 4, चार कॉइल का है, सबसे छोटे कॉइल का हमने फर्मे का साइज़ लिया। अब ये हमने निशान लगा लिया तो हमने ये याद रखना है, बल्कि हम एक जो है ये हाथ से एक सेट बनाएंगे और एक सेट हम मशीन से बनाएंगे। ये दोस्तों, फर्मे को हमने बांध लिया, टाइट कर लिया। ये हमारे पास 20 नंबर तार है और हाथ से हम पहले सेट बनाएंगे। किस तरीके से बनाएंगे ये देखें। तो आप ये सबसे बड़े कॉइल से हमने शुरू करना है, अब तार को लपेटना। इसमें हम 40 टर्न करेंगे बड़े कॉइल में, उससे छोटे कॉइल में भी 40 टर्न करेंगे। सिल्वर में हम इसको वाइंड कर रहे हैं,
दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस चालीस चालीस टन एक कॉइल में हो चुकी हैं। अब दूसरा इससे छोटा कॉइल है उसमें भी हम चालीस टन ही करेंगे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस छत्तीस सैंतीस अठतीस उनतालीस या चालीस। चालीस टन दूसरे कॉइल में भी हो गई। अब हमने पैंतीस टन तीसरे कॉइल में करनी है। दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह अठारह उन्नीस बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस तीस इकतीस बत्तीस तैंतीस चौंतीस पैंतीस तीस। यहाँ पर ये अब हम तीस टन छोटे कॉइल में करेंगे। सबसे छोटे कॉइल दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सतारह बीस इक्कीस बाईस तेईस चौबीस पच्चीस छब्बीस सत्ताईस अट्ठाईस उनतीस और तीस। ये तीस चालीस चालीस पैंतीस तीस ये इसमें टन हो गई। अब हम इनको बांध लेंगे और इनको निकाल लेंगे और इनका वजन भी हम करेंगे। तो पहले तो हमारे पास मशीन नहीं थी तो मैं छोटी छोटी मोटरें भी हाथ से ही उनके सेट बनाया करता था। तकरीबन वाशिंग मधानी की जो वाटर मशीन की मोटर है उसमें 600 से 700 टन मैं खुद हाथ से ही लपेटा करता था। अब हमारे पास मशीन है हम मशीन से ज़्यादातर सेट बनाते हैं हाथ से सेट नहीं बनाते। इससे वक्त का भी जो है वो बचत होती है वक्त कम लगता है हाथ से थोड़ा वक्त ज़्यादा लगता है। तो मशीन का ये फ़ायदा है जल्दी काम हो जाता है। तो अगर आपके पास मशीन नहीं है तो इस तरीके से आप हाथ से भी सेट बना सकते हैं। तो अब हम ये बांध लें इस तरीके से इनको बांधेंगे ये भी आप दोस्तों को दिखाते हैं और एक सेट हम मशीन पर भी बनाकर आप दोस्तों को दिखाएंगे। ये दोस्तों इसको हम अब बांध लेंगे इस तरीके से तमाम जो ये चार कॉइल हैं चारों को अलग अलग बांध लेंगे। इस तरीके से हमने बांध लेना है चारों कॉइल को और बांधना इस तरीके से जैसे ये तार हमारी जा रही है ये हमने इसके साथ ली इसी तरह अगले सेट की तार भी हमने इसके साथ ही लेनी है। एक ही तरतीब से तमाम सेट को बांधना है। ये तमाम कॉइल को बांध लिया। अब हम इस फर्मे को खोल लेते हैं। फर्मे को खोल लिया ये सेट बाहर इस तरीके से इनको हल्का हल्का उठाकर बाहर निकाल देंगे। ये हमारा एक सेट मुकम्मल हो चुका है। इसको यहाँ से हम काट देंगे और इसका वज़न कर लेंगे कितना वज़न हम इसमें डाल रहे हैं ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए। अब हम मशीन से सेट बनाएंगे तो किस तरह मशीन से सेट बनेगा वो भी आप दोस्तों को हम दिखाते हैं। ये दोस्तों हम अब आ गए मशीन पर। ये हमने फर्मा कसा हुआ है छोटा। इसमें जो फर्मा है वो चार ही कॉइल बनाता है एक दो तीन चार। तो इसमें हम जो ये फर्मा हम कसेंगे जो हमने साइज बनाया है वो सबसे छोटे कॉइल में कसेंगे। इधर ये थोड़ा सा फर्क आ रहा है इधर यहाँ पर ख़त्म हो रहा है तो हम इसकी साइड को भी खोल कर थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। ये देखें यहाँ पर ये हमारा सेट जो है वो बनेगा। यहाँ पर अब ये पूरा हो चुका है। यहाँ पर इसको टाइट कर देंगे इसको हम काट लेंगे। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे इसको जीमीटर को ज़ीरो कर लेंगे। ये दोस्तों तार हमने बांध ली यहाँ से हम शुरू करेंगे 40 ही टन हम इसमें करेंगे। इस पर ये है बस यहाँ पर हमारा जो वक्त कम लगेगा जल्दी हमारे सेट बन जाएंगे। हाथ से थोड़ा देर होती है। ये देखें ये हमारी 40 टन हो चुकी हैं एक कॉइल में। ये हमारी 80 टन हो चुकी हैं। 35 हमने तीसरे कॉइल में रखनी है। ये हमारी 30 टन। अब इसी तरीके से हम इसको बांध लेंगे जिस तरह हमने उसको बांधा था दूसरी जो हमने हाथ से फर्मे से सेट बनाए थे उस तरीके से हम इसको बांध लेंगे।
ये देखें यहाँ से हम इसको बांधेंगे इसी तरीके से हम स्टार्टिंग के सेट भी बनाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। ये सेट हमने बांध लिए, अब इनको हम खोल कर निकाल लेते हैं। इसी तरीके से हमने स्टार्टिंग के सेट भी बनाने हैं। इस तरीके से आप किसी भी मोटर के सेट बना सकते हैं और वाइंड कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आप दोस्तों को हमने सिर्फ सेट बनाना ही सिखाया, इसका वजन कर लेते हैं। तो दोस्तों हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें। अब इसका वज़न कर लें फिर हम। ये दोस्तों इसका वज़न देखें 118 ग्राम। ये मशीन से जब हम इसको लपेटेंगे तो 2-4 टन इजाफी हो जाती हैं। और ये हाथ से हमने सेट लपेटा, इसकी जो टन पूरी पूरी हैं और इसका वज़न 110 ग्राम है। मशीन से अगर हम लपेटेंगे तो 10 ग्राम का फ़र्क देखें ये आया है, को 10-5 टन का फ़र्क होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।